जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाए। नाजरीन, बिजली के बिलों में खौफनाक इजाफे और इस रियासती डकैती पर अवाम के हकीकी तर्जुमान सायरा बानो भी मैदान में आ गए। बिजली के बिलों में जालमाना इजाफा किस हुकूमत ने किया? सायरा बानो ने आईना दिखा दिया। वीडियो देखिए और लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल से बार बार कुछ जमातें एहतजाज की कॉल दे रही हैं कि बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज करें। मुझे बहुत हैरत है कि ये वही जमातें हैं जिन्होंने 16 माह इक्तदार का मजा लूटा, जो महंगाई और आवाम के कंधे पर बंदूक रखकर इक्तदार में आई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि बिलों के क्या कहते हैं कि खौफनाक इजाफे से आवाम बिलबिला उठी है। अब इसमें किसी गरीब और अमीर का फर्क रह नहीं गया कि गरीब तबका या बहुत कमाने वाला तबका, सभी इससे अफेक्ट हुए। लेकिन इन जमातों का एहतजाज मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी हुकूमत गए हुए हुकूमत से दस्तबरदार हुए 20 दिन हुए और इतने ही दिन निगरान हुकूमत को आई हुए। निगरान खाना तो आप बनाकर गए थे, निगरान हुकूमत ने तो सिर्फ ढक्कन उठाया है, निगरान हुकूमत ने तो आपका पका हुआ खाना सर्व किया है। तो खुदारा, अवाम अगर अपने हक के लिए निकल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। कौमों का होता है कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, रियासत माँ की तरह होती है। लेकिन इन जमातों के झांसे में कोई ना आए जो 16 महीने अपने लिए लेजिस्लेशन करके और 16 माह में उनको अवाम का दर्द महसूस नहीं हुआ और आज वो पिछले 4 दिन से अवाम के मसीहा बने हुए हैं, तो ये सारा जो कसूर है वो जो 16 माह इक्तदार की मसनद पे बैठे हुए थे उनका था। तो एहतजाज कीजिए, लेकिन अपने मुल्क के इमलाक को नुकसान ना पहुंचाइए, क्योंकि जो बिल उनको बताए गए हैं, जो सरचार्ज और जो ड्यूटीज बताई गई हैं, जो भी डिस्कोस हैं, हेस्को लेस्को, वो आपको बिल देते हैं, इसको उनका कोई नहीं हो। अगर उनको कोई मराद भी मिली हुई है तो वो इन तमाम हुकूमतों का साल साल से वो है, वो उस वक्त उनको सोचना चाहिए था कि गरीब मुल्क जहाँ पर गरीब लोग हैं वहां पर क्या चंद लोगों को मराद दी जा सकती है।